जब भी आप किसी और सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्टेड रिपोर्ट को कॉपी करके एक्सेल में डालते हैं या किसी और सॉफ्टवेयर से, जैसे टैली हो गया और भी कई सारे ईपीओस वाले सॉफ्टवेयर आते हैं, उससे एक्सपोर्ट की गई एक्सेल की फाइल को ओपन करते हैं, तो ये कुछ कॉमन टाइप की प्रॉब्लम है जो कैलकुलेशन में आती है। पहला क्या होता है, ये कॉमा एक्चुअल में क्या है, एक्यूट का सिंबल है। ये कॉमा अगर मैं कीबोर्ड से टाइप कर रहा हूँ तो ऐसे होता है, इसके कारण से ये क्या करेगा, यहाँ ये मैंने सेलेक्ट किया तो ये टोटल नहीं दिखाएगा, काउंट दिखाएगा, और यहाँ पे अगर मैं मैन्युअली सम यहाँ पे करता भी हूँ फिर भी ये टोटल नहीं लाया। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, डबल क्लिक कीजिए और इस कॉमा को कॉपी कर लीजिए बॉटम तक सेलेक्ट करके, और यहाँ फाइंड वर्ड में इसको पेस्ट कीजिए, रिप्लेस भी विद में ऐसे रहने दीजिए ब्लैक, और यहाँ रिप्लेस ऑल कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा, ये टोटल हो गया। दूसरी टाइप में प्रॉब्लम में आते हैं तो कुछ क्या होता है, कुछ सॉफ्टवेयर में नंबर की फॉर्मेटिंग करने के लिए ट्रेलिंग या लीडिंग जो है स्पेस दे देते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरे पास स्पेस है, लेकिन ये क्या एक्सेल की लैंग्वेज में जो स्पेस है वो ये है, अगर मैं यहाँ पे ये क्या करूँ, कोड लिख के स्पेस, एक डबल कोट्स में स्पेस प्रेस किया और ये एंटर किया तो ये मेरा स्पेस का कोडिंग दे दिया, क्योंकि ये क्या हुआ, तो ये विंडो का स्पेस ये है जो 32 ASCII कोड पे स्टैंडर्ड होता है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये किसी और ही स्टैंडर्ड का स्पेस है जो कि एक्सेल के लिए अनआइडेंटिफाइड है, तो उस केस में भी क्या करना होगा, डबल क्लिक कीजिए और कोई एक स्पेस को बस यहाँ से कॉपी कर लीजिए बॉटम तक सेलेक्ट करके कंट्रोल एच, और फिर यहाँ पे हटा दीजिए जो भी फाइंड वर्ड में, एक बार कंट्रोल वी कीजिए पेस्ट हो जाएगा, और फाइन रिप्लेस विद में ऐसी ब्लैंक रहने दीजिए रिप्लेस ऑल। अब देखिए ये आपका सामान लगा यहाँ पे स्टेटस बार पे, अब आपका ऑटो सम भी काम करेगा। प्रॉब्लम टू में आते तो यहाँ पे क्या करना होगा, आपको स्पेस भी रिप्लेस करना होगा और ये कॉमा भी दोनों एक साथ करना होगा। प्रॉब्लम नंबर तीन पे आ जाते हैं। अब तीन क्या है, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। कॉमन प्रॉब्लम क्या है, जब आपको इंडियन बेस्ड लैंग्वेज में या INR करेंसी की बात करते हैं तो वहाँ पे हम लाख में आते हैं, तो वो इंडियन में जो रुपीस वगैरह लिखते हैं वो हम ऐसे लिखते हैं, पहले 1000 के बाद, फिर लाख के बाद, फिर 10 लाख के बाद, ये सारा ये होता है। लेकिन जो एक्सेल का फॉर्मेट होता है या इंग्लिश का फॉर्मेट होता है वो हर एक 3 डिजिट के बाद ही कॉमा लगता है। अगर आपने ये लगाया तो देखिए यहाँ पे सम क्या आ रहा है, 65021 जो मेरा लास्ट वाला नंबर है, तो ओनली मेरा लास्ट वाला नंबर ही उसके कंपेटेबल है जो इंग्लिश लैंग्वेज या एक्सेल के कंपेटेबल है, बाकी सबको क्या हुआ, इस एक्सेल ने टेक्स्ट के तौर पे ले लिया है। तो इसको अगर मैं चाहता हूँ टेक्स्ट से वापस से नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, वही सेम लॉजिक है, सेलेक्ट कीजिए कंट्रोल एच। अब यहाँ पे कुछ अलग से कॉपी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप यहाँ से फाइंड वर्ड में जो भी कुछ है पहले हटा दीजिए, फिर कॉमा कीबोर्ड से टाइप कीजिए और रिप्लेस विद में ब्लैंक ही रहेगा, रिप्लेस कीजिए, या आपका सही काम करने लगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम थी सब में जो एक्सपोर्ट रिलेटेड आती है।